उत्तर प्रदेश के सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 1,00,000 रुपए अनुदान देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की परेशानियों और समस्याओं पर गौर करते हुए दिल्ली के आसपास राज्य में किसी उपयुक्त स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराए जाने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में शीघ्र ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इस भवन के निर्माण से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को प्रोत्साहन भी मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सपा सरकार ने कैलाश मानसरोवर के साथ लेह लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन करके आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आर्थिक सहायता की योजना शुरू की थी। कैलाश मानसरोवर के यात्रियों की सहायता का शासनादेश जब 19 फरवरी 2013 को जारी हुआ था तब अनुदान की रकम महज 25,000 रुपये थी और साल में अधिकतम 50 यात्रियों को ही यह रकम दिए जाने की व्यवस्था थी। हालांकि 8 महीने बाद ही 24 अक्टूबर 2013 को आर्थिक सहायता की रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी। इसी क्रम में 25 जनवरी 2016 को जारी शासनादेश के जरिए अनुदान पाने वाले अधिकतम यात्रियों की संख्या भी 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई थी। तो सबसे बड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। इसके साथ ही मानसरोवर भवन बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है जिसे गाजियाबाद नोएडा में बनाया जा सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।